कोरियन टाइप की स्किन चाहिए ना, ब्लशी ब्लशी और वो लिप्स एकदम टिंट वाले, तो ये ब्लश आपके लिए बहुत मिरेकल है। हेलो फोक्स, वेलकम टू वोग बाइट्स इंडिया। मेरा नाम है कोमल एंड अ वेरी वार्म नमस्ते टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ही लिप एंड चीक टिंट बना सकते हैं विद इन 50 to 100 rupees, एंड वो आपकी स्किन को हार्म भी नहीं करेगा, इवन आपकी पॉकेट को भी बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। एंड इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम पैसे भी लगते हैं, और इतने महंगे महंगे टिंट्स जो हम बाजार से खरीदते हैं, बेनिफिट का टिंट भी ये फेल कर देगा अगर आप इसको बना लोगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, और आगे की वीडियो में आपको वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर है, तो मैं पूरी वीडियो ऐसे नहीं बनाऊंगी। बट यू कैन सी कि अभी भी मैंने वही टिंट लगाया हुआ है मेरे फेस पे, कितना प्यारा एकदम ग्लोई लुक आया। कोरियन टाइप की स्किन चाहिए ना, ब्लशी ब्लशी और वो लिप्स एकदम टिंट वाले, तो ये ब्लश आपके लिए बहुत मिरेकल है। पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखना, बनाना, एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो और ये टिंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और काम भी आएगा। एंड या सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक कंटेनर लेना है, मैंने ये लिपस्टिक का ओल्ड लिपस्टिक थी उसको खाली कर लिया कंटेनर को। देन मैंने बीटरूट पाउडर और एलोवेरा जेल लिया है। बीटरूट पाउडर काफ़ी अच्छा कलर देता है और उसके बेनिफिट्स भी लिप्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और एलोवेरा जेल काफ़ी सूदिंग होता है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है सेंसिटिव स्किन के लिए, लिप्स के लिए अच्छा है। ग्लिसरीन से मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड होती है, आपका वाटर कंटेंट बना रहता है लिप्स पे, और विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजेशन देती है। इसको आपको अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बीटरूट पाउडर यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वो एक्सपायर हो गया था, बट आप यूज़ कर सकते हो। फूड कलर मैंने यहाँ पर यूज़ करा है और इससे काफ़ी अच्छा रेड कलर आया है। आपको सिर्फ फूड कलर ही यूज़ करना है, एंड ये लिक्विड वाला फूड कलर ही यूज़ करना है। मैंने रोज़ वाटर भी ऐड किया है एक हाइड्रेशन, एक फ्रेशनेस के लिए। उसके बाद मैंने वनीला वाइप्स, ये प्लम का बॉडी लविंग ऑयल यूज़ किया है। इससे अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन भी आ गया और इससे अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ गई क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये कंटेनर भी मैंने खुद ही बनाया है, अच्छे से इसको डेकोरेट कर लिया है, फिल कर लिया है इसमें अपना लिप एंड चीक टिंट, और आप देख सकते हो कितना प्यारा इफेक्ट आया है इससे, और काफ़ी सुंदर कलर भी बन के आया है, और काफ़ी ज़्यादा ये टिका भी मतलब मेरे चीक्स पे, मतलब 4 to 5 hours तक आराम से टिक गया। बाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अभी तक आपने पूरी देखी हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूंगी आपसे एक अच्छे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।